My film is about one man's ideology. Gujarati. જમાય નહી જ્યારે ચટણી વાટવાની હોય ત્યારે તો પછી ફૂલ 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 ગુજરાતી માં જ વાત કરતા ફૂલ સિદ્ધાર્થ ભાઈ છું મેં ગુજરાતી હું નતમસ્તક કરતા હું किताब में बहुत सी चीजें हैं जो फिल्म में नहीं और केस में बहुत सी चीजें हैं जो फिल्म में नहीं थिएटर में हम रखे फिर कुछ हो आए ना आए, ना आए बात का बतंगड़ हो जाए कुछ विवाद निकले जो बाइक वाइक जला दे लोग बाहर कुछ भी हो सकता है जब एक पोस्टर पे एक फिल्म रोकी जा सकती है तो फिल्म रिलीज पे क्या क्या हो सकता है व्हाट वाज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर मी वाज द गुजराती एंड वैष्णव कम्युनिटी शुड नेवर फील ऑफेंडेड तो नेपोटिज्म में तो फिर आमिर खान को आके प्रमोट करना चाहिए था फिल्म कि भाई देखो मेरे बेटे की फिल्म आई है प्रमोट यूज स्टार पावर टू प्रमोट द फिल्म वी डिडंट यूज एनी इट नमस्ते हूँ सिद्धार्थ पी मल्होत्रा तमे मने जोई रहा छो gujratimidday.com ताजा समाचार तमारी भाषा में मेळववा माटे डाउनलोड करो गुजराती मिडडे नी एप gujratimidday.com સાથે આજે છે ડિરેક્ટર સિદ્ધાર્થ પી મલ્હોત્રા એક ફિલ્મ જેની સાથે બહુ જ બધો વિવાદ જોડાયેલો હતો અને પછી ઘટના એવી થઈ કે ખોદ્યો પહાડ અને નીકળ્યો ઉંદર એ ફિલ્મ એક બહુ જ સાચો મેસેજ આપનારી ફિલ્મ નીકળી ફિલ્મ છે મહારાજ આપણે બધાએ જોઈ છે માણી છે આજે વાત કરીએ સિદ્ધાર્થ પી મલ્હોત્રા સાથે હાય વેલકમ ટુ gujratimidday.com થેન્ક યુ We were just, you know, talking before we started this, कि गुजराती इसके साथ आपका बहुत कनेक्शन है जी, जी, महाराज तो गुजरात में हुई घटना थी तो क्या थोड़ू 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 आवड़े छे मने कितलू थोड़ू थोड़ू आवड़े छे थोड़ू वाचवानु पण आवड़े छे थोड़ू सांभळवानु पण आवड़े छे बेसिकली वाइफ इज गुजराती मदर इन लॉ गुजराती गुजराती जमाई नहीं जरा चटनी वाटवानी होय त्यारे तो फुल 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 गुजराती में बात करता फुल सिद्धार्थ भाई छू गुजराती नाटक जोवा जातो तो आई गो एंड सी ऑल ऑफ दैट सो बिकॉज ऑफ दैट विद माय मदर इन लॉ जितने भी है महाराज भी इसी तरह आया इसी तरह आया हाँ, गुजराती नाटक देखने गए थे विपुल के विपुल मेहता के और वो अच्छी लग गई और फिर मालूम किया कि करसनदास मूल जी अच्छा एक वैष्णव थे जो बैकला में रहते थे और एक ऐसी इंसिडेंट हुई है और वो समाज सुधारक थे अच्छा ये सौरभ शाह की किताब है तो बोला अच्छा सौरभ भाई से मुलाकात कराइए फिर सौरभ भाई से मिले हम और फिर इसकी लेखन पे काम करना शुरू किया हमने फिर मेरी मदर इन लॉ ने स्नेहा देसाई का कोड मंत्र देखा था ओके हाँ स्नेहा हैज डन वंडरफुल जॉब विद कोड एंड आई वाज बैफल्ड बाय हर एक्टिंग आई सेड यार क्या एक्टर है ये एंड फिर मालूम पड़ा उसने राइटिंग भी की है और काफी कुछ चीजें की है गुजराती लड़कियां बहुत टैलेंटेड होती हैं आपकी बीवी है ना मैं गुजराती हूँ नतमस्तक करता हूँ सब औरतें ग्रेट वेरी वेरी टैलेंटेड मुझे घर जाके सोना भी है फॉर मी देन फिर स्नेहा से बात करी कि स्नेहा आप भी आ जाओ साथ में और विपुल भाई और स्नेहा एक दूसरे को जानते थे तो फिर ऑटोमेटिकली दो दिग्गज थिएटर गुजराती नाटक के साथ में आए फिर महाराज की स्क्रिप्ट बनी बनते बनते फिर आदित्य चोपड़ा को सुनाया एक्चुअली जब स्क्रिप्ट बनी तो बहुत लंबी स्क्रिप्ट थी ऑलमोस्ट 160-180 पेजेस महाराज द बुक इटसेल्फ इट्स थिक बिकॉज़ इसमें बहुत डिटेल्स हैं लाइक इट्स यू नो द बुक इटसेल्फ इज तो यही एक्चुअली कारण भी हुआ केस का किताब में बहुत सी चीजें हैं जो फिल्म में नहीं हाँ ऑफ कोर्स और केस में बहुत सी चीजें हैं जो फिल्म में नहीं तो लोगों ने ये ठान लिया कि क्योंकि केस है तो पूरी पिक्चर ही केस है कि किताब है तो पूरी पिक्चर ही किताब है तो वो सब हमने फिल्म में रखी नहीं थी बुक इज आउट फॉर मेनी इयर्स नाउ 13 इयर्स 13 इयर्स इवन द केसेस अवेलेबल देयर इज अ बुक ऑन द केस इवन उस हिसाब से हमने 2020 में स्क्रिप्ट खत्म कर ली 20 और 21 में शूटिंग भी खत्म हो गई एडिट भी हो गई थी पिक्चर रेडी हो गई थी सेंसर भी करा दी थी तो जो हमको काटना था पिक्चर से या जो भी वो सब काट निकल गई फिर हम 2-3 साल वेट की फिर ये बात डिस्कशन आई कि ये ओटीटी पे आएगी और यू नो बिकॉज यशराज नेवर प्रेफर्स पुटिंग फिल्म्स ऑन ओटीटी दैट्स देयर थिंग के यू नो या दिस इज देयर फर्स्ट फिल्म पहली बार दे हैव चोजन नॉट टू यू नो गो फॉर द थिएट्रिकल रिलीज राइट So, I think was that, it because of the subject, little sensitivity about, no, around it? Not the no. subject, more than the subject, it was that post-COVID, filmen chal nahi rahi thi theaters mein. Log hi nahi ja rahe the theaters mein. Ya to aisi filmen chal rahi thi, jo matlab... Pathan, Tiger. Yeah.
मतलब ये पठान टाइगर तो है नहीं, ये तो एक्चुअली करसनदास मूलजी की कहानी है जो एक केस तक लाके फिर जाके जाती है। इट वाज अ वेरी इट्स अ कंटेंट ड्रिवन फिल्म, कंटेंट ड्रिवन फिल्म एंड अ वेरी कैलकुलेटिव डिसीजन टू पुट इट ऑन फॉर द फिल्म टू बी वॉच्ड एंड अप्रिशिएटेड, पहुंचे तो सही लोगों तक और थिएटर में हम रखे फिर कुछ हो आए ना आए, बात का बतंगड़ हो जाए, कुछ विवाद निकले, जो बाइक वाइक जला दे लोग बाहर, कुछ भी हो सकता है। जब एक पोस्टर पे एक फिल्म रोकी जा सकती है तो फिल्म रिलीज पे क्या क्या हो सकता है, तो सीन इट इन पास्ट विद सम फिल्म्स लाइक फना एंड एवरीथिंग करेक्ट एंड इट हर्ट्स इट पेन्स अ लॉट, तो उसके लिए हमने व्हिच इज व्हाई इट वॉज अ प्रोड्यूसर डिसीजन के ये हम OTT पे ला रहे हैं, जी आपको जहां पे लानी है ले आओ पिक्चर, हमारी पिक्चर लोगों तक पहुंचने दो, हमने बहुत मेहनत की है। एंड फाइनली एक दिन पहले रिलीज के फिल्म रोकी जाती है एंड देन अ कोर्ट केस हैपेंस इन द गुजरात हाई कोर्ट, और हम तो सब देख रहे थे लाइव देख रहे थे। I was crying. Like, I'm saying it now, it may sound filmy, but I was really crying. मेरे माँ बाप घर आ गए थे, my sons were there, my mother-in-law was there, everybody had come because I was broken. Were you scared or you were frustrated? Both. And I have not got out of the pain. Both scared and frustrated because खबर ही नहीं थी ना, you don't know what the hell is going to happen. You don't know where, और सौरभ भाई का मैसेज आ रहा है कि अब ये हो गया, और विपुल का कुछ मैसेज आ रहा है कि ये हो गया भाई, अब ये फोन आ रहे हैं, वो समझ में नहीं आ रहा कि भाई हमने पर आई मीन हाउ टू फाइंड अ वे, यू डोंट इवन नो एंड यू कांट स्पीक द वे, यू कांट से एनीथिंग। उस वक्त जब कोर्ट केस हो रहा है, आई कैन नॉट गो एंड स्पीक टू प्रेस और एनीबॉडी एंड से भाई बट मेरे फिल्म में ये सब कुछ है ही नहीं, टॉक टू माय लॉयर काइंड ऑफ फेस, नो नॉट इवन टॉक टू, एक्चुअली आई डिडंट वांट अ लॉयर, आई वांटेड आई मेड अ फिल्म व्हिच इज प्रो रिलीजन। फिल्म में लालवन जी महाराज आके करसन को कहते हैं जो हक का नहीं है लड़ो इसके लिए, ये बोलता है लड़ाई में क्षत्रिया नहीं हूं, इसे कर्म से नहीं धर्म से नहीं हो तो कर्म से बन जाओ। जब हवेली बंद की जाती है कि अन्न का निवाला नहीं मिलेगा लोगों को भक्तों को, उनको उनकी मदद करने कौन आता है, लालवन जी महाराज आते हैं कि वो तुम उनका उन तक नहीं जा सकते, वो तो तुम्हारे पास आ सकते, आज की आरती तुम करोगे। केस के लिए भी इनको सिखाता कौन है यदुनाथ के खिलाफ, सब महाराज आके यदुनाथ को बोलते जो आप कर रहे हो गलत कर रहे गलत है। तो जब एज अ कम्युनिटी दे आर ऑल स्टैंडिंग फॉर द राइट, हाउ कैन यू ऑब्जेक्ट टू द राइट, एग्जैक्टली योर फिल्म माय फिल्म इज अबाउट वन मैन्स आइडियोलॉजी, एक आदमी के सोच की लड़ाई है, खुद की लड़ाई है, और अगर एक आदमी की खुद की लड़ाई है तो ऐसी फिल्में तो पहले भी बन चुकी है। एंड आई थिंक यू हैव टेकन सर्टेन लिबर्टीज ऑफ कोर्स क्रिएटिव लिबर्टीज, बिकॉज़ जब ये हुआ था तब एक्चुअली तो करसनदास मूलजी वाज मैरिड, राइट, देयर आर सर्टेन लिबर्टीज टेकन आल्सो टू टेक, आल्सो करसनदास मूलजी को मैंने अगर एज अ फिल्म मेकर पूरी तरह मैं जस्टिफाई नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि करसनदास मूलजी के लाइफ में पहले वो समाज सुधारक थे, बहुत बड़े समाज सुधारक थे, तो वो एक एक्चुअली इनिशियल 15 मिनट तो वहां पे जाने चाहिए थे कि वो समाज सुधारक क्या क्या करता था, ही वाज ऑलरेडी एन एस्टैब्लिश्ड, इट इज नॉट अ स्टोरी ऑफ रिवेंज, इट इज नॉट द स्टोरी ऑफ रिवेंज, हाउ इट इज। एंड आई थिंक समवेयर पीपल यू नो थिंक अच्छा, बिकॉज लोगों को नहीं पता है बहुत कुछ, पर अगर वो दिखाने जाऊं तो फिल्म और भी बोलेंगे भाई तुम अभी डॉक्यूमेंट्री बना रहे हो क्या, समाज सुधारक की कहानी बता रहे हो क्या, भाई ये एरा था, ये माहौल था, अच्छा काफी चीजें अच्छी काफी चीजें हमने शूट कर रही है और रखनी पाए। सो करसनदास की एंट्री वाज एक्चुअली एक बाल विवाह चल रहा है और वो कैसे उस लड़की को उस शादी से छुड़वा के निकाल देता है, और भाबो जो है बोलती है अरे ये अंदर आता है लड़की को लेके, तो भाबो बोलते हाँ मामा मामी क्या, ये तो वनलता के लगन में गए, उसकी शादी वैसे ही करा रहे थे, वैसे इसकी शादी खराब हो जाती है, ऐसे कोई उठा लेता है ना किसी मंडप से, इसे वो भी तो वही कर रहे थे। सो दिस वॉज इज इंट्रोडक्शन टू शो कि करसन ऐसा इंसान है जो ऐसा ही था तो towards all the Gujarati Vaishnavs and towards all the people who believe or still believe in Karsan, yes, I couldn't
justify because then I needed a 3-hour film. Yeah. I have a 2-hour 4-minute film जिसमें से 35 मिनट कटे हैं. उसके लिए मुझे 3 घंटे या मुझे एक्चुअली एक वेब सीरीज चाहिए. तो फिर ये जाके क्योंकि कोर्ट भी बहुत लंबी चली. कोर्ट पे सवाल जवाब पहले तो पार्टियां आए नहीं थे. They didn't turn up. So first there was a case. पहला केस तो था फिर पार्टियां नहीं आए. फिर दूसरा केस हुआ कंस्पिरेसी केस के बाद. So it's not that we've not studied it. Of course we've studied it. We've gone through all of it. But you have to tell a film in 2 hours. You have to get to a journey. You have to get to journey. And you have to tell a story. With my writers and everybody, that gives the right message at the end of the film. If I start talking about relevance back then, too many things will pop up. We didn't want to do that. We were making the film about a David Goliath. यार एक साधारण पत्रकार, गुजराती पत्रकार, दादा भाई नवरोजी के लिए काम करता है, उसकी रास्ते मुफ्तार में काम करता है. And दादा भाई नवरोजी जो उसके मेंटर थे, जो उसको सपोर्ट करते थे, जो एक्चुअली कवि नर्मद ने उनको मदद की थी इसमें. तो नर्मद का पोषण था जो है नहीं फिल्म में, पर था, शूट किया था हमने. और ऑल्सो तेजपाल सेठ ने उनको गोले टैंक हाई स्कूल में पहले हेडमास्टर का खिताब, तो वो भी सीन हमने शूट किया था कि मैं आपके घर में तो नहीं रह सकता, ठीक है आप मेरे जगह पे रह जाओ और मैं आपको 50 रुपए तनख्वाह देता हूँ, आप जीटी हेड हाई स्कूल के हेडमास्टर अगर तुमने ठीक लगे तो. हाउ ही गॉट द जॉब, हाउ ही स्टार्टेड, क्योंकि स्कूल में भी तो लोग आए थे उस वक्त तो प्रोटेस्ट हो रहे थे. सो देयर वाज अ लॉट व्हिच वाज देयर व्हिच ऑफ कोर्स कुडंट बी शोन, बट आई एम ग्लैड दैट आफ्टर ऑल दिस पीपल आर सीइंग इट फॉर व्हाट इट इज. के अब क्या हो रहा है, पीपल आर नॉट ट्राइंग टू रीड बिटवीन द लाइंस बिकॉज़ इट्स नॉट रिटन. Very important. What was most important for me was the Gujarati and Vaishnav community should never feel offended. Should feel ये हमारे हित की पिक्चर है, ये हमारे धर्म के प्रो पिक्चर है. तो आज भी there are many people who have not seen the film, thinking कि ये हो सकता है, ऐसा यार देखा नहीं, नहीं नहीं दिखना नहीं, इसमें कुछ है. अब क्या हो रहा है इन द लास्ट 2-3 weeks, क्योंकि ये फिल्म थिएटर में नहीं है, OTT पे है. अब कोई किसी और को बोल रहा है कि नहीं यार इसमें तो है नहीं, ये तो अच्छी फिल्म है, इसमें तो सीख है. नाउ आई हैव गॉट सो मेनी मैसेजेस फ्रॉम द वैष्णव्स, फ्रॉम आउटसाइड द वैष्णव्स, फ्रॉम कम्युनिटीज वेयर दे सेइंग थैंक यू फॉर मेकिंग दिस फिल्म, देयर इज अ सीख. ऑफ कोर्स देयर आर सर्टेन पीपल हु सेड ये करसन की कहानी एग्जैक्टली नहीं है. मैं बोला जी मैं मानता हूं, यू हैव टू टेक, आई हैड टू टेक दोस थिंग्स, बट I hope someday I'm allowed to tell a web series on his life, and then I can say it the way he should have been honored. But we've done our best. We've given as much as we could with the limitations. We are happy that ab a film jo now iski publicity hui hai, na ye Aamir Khan ke bete ki film hai. Aaj aap Aamir Khan ke bete ki launch karte ho. There's enough noise. More than enough noise. Yeah, and people are curious and they want to. Yeah, बोलते रहते हैं ना nepotism, nepotism ये कहते रहते हैं. तो nepotism में तो फिर आमिर खान को आके promote करना चाहिए था film. कि भाई देखो मेरे बेटे की film आई है, promote. Use star power to promote the film. We didn't use any of it. Star power क्या? मैंने तो यशराज power भी use नहीं की. This film came without any power. True. This film has now worked because and delivered. Because film is powerful. Correct. If the film, it is Karsan Das Poolji's ideals which are powerful. It is what he is fighting for which is powerful, and it is the winning of my writers, people and Sneha. So, unko salam. Okay, you have done some amazing work. I loved Hitchki. I went to the theater to watch it. I loved the film. It was a fabulous film. Yeah. At a very young age, you started writing in the kind of television that was there, and your dad's work, Prem Kishan ji's work. What are the lessons that you learned from your father? The lessons I've learned and still learning from Papa actually is what has helped me see through ke always wish people well. In terms of a journey, Papa has been a family man. And treat your technicians, treat your writers. Papa respects writers a lot. The thing is, aap jo bhi karo, puri mehnat se karo. You don't know it's going to fail or it's not going to fail. But you've done it with that kind of conviction and mehnat that the people who worked with you will work with you again and again.
And that is the true calling of success. When somebody says, यार मैं कर रहा हूँ ये पिक्चर, जी मैं आ रहा हूँ. When they don't ask, they just come because they want to work with you. They know that you that will says be a lot. Here. And that's happened with Papa over years, and that's happened with me over years. That अगर मैंने किसी को आज फोन किया है, वो goodwill is very important. आप exactly. आप दो मिनट में वो goodwill गवा सकते हो, और सालों लगते हैं वो relationship को earn करने में. True. So I think what I've learned from Papa is how to earn and keep relationships. I mean, I started this whole question, you know, by mentioning Hitchkey. Because what I was trying to tell you that the kind of content that you pick up, the kind of films that you decide to make. आपने बताया कि टेलीविजन में जब कथा सागर, गुलगुलशन, गुलफाम, I mean, I still sometimes, you know, try to find episodes on YouTube and watch. Because वहां से हमें वर्ल्ड लिटरेचर पता चलता है. उसमें गायदे मोपासा, यो हेनरी, टॉलस्टॉय, मतलब everything and what film is Sham Benegal, exactly. You know, the who's who were acting in it. This is what I think you have seen. वो आप में ingrained है शायद. जिसकी वजह से आप ऐसे ही काम करते हैं जो इट्स अ फाइन बैलेंस बिटवीन आई नॉट सी पैरेलल सिनेमा बट यू नो व्हाट आई मीन यू नो इट्स आई मीन हिचकी वॉज नॉट अ स्टोरी दैट विच इज वाई नॉट अलाउड टू टेल इट पांच साल लगे मुझे Which is why 5 साल तक लोगों ने बोला यार तू यार क्या पैरेलल सिनेमा बना रहा तू कमर्शियल पिक्चर बना ना हीरो हीरो एक्टर्स फ्रॉम रानी मुखर्जी टू नीरज कभी टू एवरीबॉडी या सिमिलरली टू हिचकी अगेन महाराज इज नॉट अ कन्वेंशनल स्टोरी इज नॉट अ अरे वापस एक वॉर नहीं है एक पठान नहीं है वो नहीं है कि भाई आओ और डांस करवाओ फॉरेन लोकेशंस पे और एज अ डायरेक्टर एज अ प्रोड्यूसर आपने मतलब You started working for, you know, great TV shows when you were just a teenager. Yeah, right? As a teenager. So, as a teenager, I was 15 years old when I assisted Vidhu Vinod Chopra in Kareeb. So I was AD on Kareeb. That was my first film with Vidhu Vinod Chopra. And then 16 or 17 when I was with Mithali on... on Saboot, yeah. The kind of work that you did at like, you were a teenager, yeah. right? And... जो माहौल बदला है जी. तब जो कंटेंट बनता था अब जो कहानियां कही जाती है जैसे कहानियां कही जाती है आपको ये देखिए हम सब जानते हैं कि गीता में लिखा है कि परिवर्तन संसार का नियम है लेकिन हम सबको सब परिवर्तन नहीं अच्छे हाँ, नहीं अच्छे बिल्कुल तो जो परिवर्तन यू नो आपने विटनेस किया यू आर बिकम पार्ट ऑफ दिस होल थिंग कौन सी चीजें हैं जो आप मिस करते हैं आज के यार आज वो होना चाहिए था और कौन सी चीजें हैं जो आपको लगता है कि यार ये सही है यार मैं you know? वो करता हूँ कि पहले जब कहानियां होती थी जब पापा और ये जब सिटिंग्स होती थी सब एक साथ बैठ के ना कहानियों पे बैठते थे पीपल वुड लिव द शो लिव द स्टोरी एंड वुड नॉट से कि अब मेरी ये मीटिंग अब मुझे जाना है अब मेरा मैनेजर अब मेरा ये वो कॉर्पोरेटाइजेशन इज गुड इन अ वे एंड वेरी बैड इन अ पहले लोग साथ में बैठ के खाना खाते थे एक यूनिट पे आज भी मेरे तीनों फिल्मों पे यही मैंने कल्चर रखा है कि इवन ऑन महाराज एवरीबडी चाहे आप बिग स्टार हो छोड़ आपको साथ में एक ही टेबल पे आपके टेक्नीशियन के साथ खाना खाना पड़ेगा एंड दैट्स वेयर द बॉन्डिंग हैपेंस दैट कल्चर ऑफ सिटिंग टूगेदर आई नो व्हेन आई वाज डूइंग संजीवनी we had Tarun Katyal, Shailja Kejriwal, these very, very big, diggaj TV programming heads at that time. हम लोग 18-18 घंटे एक एपिसोड पे बैठते थे कभी कभी तीन दिन बैठते थे एक एपिसोड पे यार ये वेनेसडे को आ रहा है 9 बजे हमको यार ये एपिसोड सही चाहिए हमको टीआरपी चाहिए और मेहनत करो सीन पे और मेहनत वो पैशन नहीं है अभी अभी आपको 2 घंटे में एपिसोड निकालो ये करो कल का पेपर है हाँ वो पैशन चले गया है ना तो वॉट आई मिस इज दैट The passion is in very few people to tell a story that will leave a mark. That emotional quotient also. It's become but about... Passion hai, but wo capitalistic passion zyada hai shayad? Shayad nahi, haan hai. Because abhi bahut kuch, abhi kuch log hai, jaise Sanjay Bhansali hai. Gine chune aapke ungliyon pe 8 ya 5 ya 6 actually filmmaker honge. Who will give their life to their art? Exactly, yeah. Who will give their life to that film? And... Do anything for that film. वो जो एक जमाना था जहां पे फिल्म मेकर्स वुड डू नथिंग एल्स बट दैट फिल्म
उसकी ट्रायल्स करते थे और दिखाते थे, बताओ मुझे, अब सब सीक्रेसी हो गया है। ऐसी कौन सी फिल्में हैं जो देखी थी व्हाइल यू वर ग्रोइंग अप एंड जिसका लास्टिंग इम्पैक्ट है आपके आज भी? Because I was exposed by my father to great filmmakers, great cinema, yeah. Great filmmakers. So I was educated on their work way before others could, which is when I'm taking the names. That's why there is. It's not because I'm taking the names because they are classics. But my big impact on a film was Anand. That's my evergreen film. Kabhi bhi aaye, main dekh lu. Kabhi bhi. So and I had the opportunity to meet Rishida. To sit with Rishida, to understand things, go to his house in Bandra. I'm very jealous of you, Siddharth. So, to meet Rishikesh Mukherjee is a very big thing. Just to understand what... And that time he was doing Jhoot Bole Kahua Kaate, he was directing that. So, and I was maybe 11, 12, 13, but I had that access. Yeah. Vijay Anand was my father's guru. Now, Vijay Anand has made Guide. He's made, he's made such great films. So, of course, Guide is something which I love. पाकीज़ा कमाल अमरोही, ओ माय गॉड आज जो आप हीरा मंडी देख रहे हैं वो पाकीज़ा ही तो है। ऑफ कोर्स इट इज द शॉट्स ही टुक, द महल, पाकीज़ा, रज़िया सुल्तान, द वे ही वुड माउंट अ फिल्म, अ शॉट, एक एक चीज बनाने में, कागज के फूल, प्यासा, राज अंकल की फिल्में, बिकॉज ही इज माय इज रिलेटेड, सो आवारा हो, श्री 420 हो, माई ग्रैंड फादर्स ओनली, जिसमें माई ग्रैंड फादर एक्टेड, बरसात, बॉबी, धर्मात्मा विच ही एक्टेड इन, माई ग्रैंड फादर प्लेड धर्मात्मा इन इट, सो आई हैव ग्रोन अप सीइंग सम रियली सॉलिड फिल्म्स एंड इन द हिंदी, हार्ड कोर हिंदी, आई विल से दैट आई एम सो ग्लैड दैट यू टुक नेम्स ऑफ हिंदी फिल्म्स, आई वाज वेटिंग फॉर टैक्सी ड्राइवर, शोन, Godfather. नहीं, वो तो मैंने अभी देखे, वो मैंने लास्ट 15-20 साल में देखे कि अच्छा यार लेट मी गेट इंट्रोड्यूस, बट फॉर मी सत्य पे सत्ता ऐसा, ओह कभी भी आ जाए देखे, डड्डू अंकल की पिक्चर देख लो मजा आ जाए, सो बट आई वाज अगेन फॉर्चुनेट दैट वी वर्क इन टेलीविजन विद राज सिप्पी, ही डिड सम शोज विद पापा, सो दीज आर पीपल आई हैव इंटरेक्टेड विद एंड ग्रोन टू अंडरस्टैंड, बट दीज आर फिल्म्स आज भी सत्य पे सत्ता लगा दो, चैन कुली की, मैन कुली की चैन लगा दो और बोला भाई यू आर इन द मूड, सॉन्ग्स है, म्यूजिक है, पापा फिल्म्स, राजश्री, सूरजीज, आई मीन द फिल्म्स दैट मेड मी वांट टू बिकम अ डायरेक्टर वाज मैंने प्यार किया, आई सॉ मैंने प्यार किया एंड आई वेंट मैड, आई सेड यार व्हाट इज दिस फिल्म, एंड परिंदा मैंने प्यार किया केम एट द सेम टाइम एंड आई वॉज लाइक विद्यु विनोद चोपड़ा से बेटर टेक्नीशियन इस दुनिया में नहीं है, सो द फर्स्ट डायरेक्टर आई असिस्टेड वाज विद्यु विनोद चोपड़ा, सूरज जी आई वाज एसोसिएट डायरेक्टर इन विवाह, Vibha, I was associated. Okay. Oh my God! Okay, so you got taste of both of them, yeah. And you mentioned Parinda. I have been coming to Mumbai. I'm born and brought up in Gujarat. Now I live here. But when as a kid, I used to come to Bombay. And once I watched Parinda, my only obsession was I want to go and watch Babulnath. Ah. I want to see that temple is a character in the film. So my wife, jahan pe rehti thi, Triveni Building, which is in that road, That's the building which has only Gujarati, I think so. So, uske samne hi they had shot Parinda. Oh God, I'm talking of Parinda and I'm thinking of the whole scooter pe banda ja raha hai. Oh my God. Yeah, but beautiful. He is a genius. 1942, Parinda. Yeah. So, I assisted Vidhu Vinod Chopra when 42 was just getting over and Kareeb was beginning. Kareeb, yeah. Just beginning. Writing is something that is... You feel that is the prime quotient of making a good film. एक अच्छी फिल्म लिखी गई है ऐसा एक डायरेक्टर को सिद्धार्थ पी मल्होत्रा को कब लगता है? जब आपको कुछ छू जाए, आपको एंटरटेन करे, और when you come out of the film saying you take back scenes from the film, lines from the film, आप हंसे, आप रोए, आपको कुछ महसूस, या तो आप सुन रहे हैं, जस्ट साइलेंस, बिकॉज दैट फिल्म हैज हिट यू सो मच दैट यू डोंट वांट टू टॉक फॉर अनदर टू आवर्स, यू जस्ट टेकिंग इट इन, सो एक अच्छी फिल्म तब मानी जाती है जब आप यू कम आउट एंड से लाइक व्हेन यू सॉ मुन्ना भाई, आप मैं आज भी ना अगर कोई स्वीप कर रहा होता है थिंक ऑफ दैट, आई नहीं, आई डोंट डू द जादू की झपट, नो नो, यू थिंक ऑफ दैट सीन, आई थिंक ऑफ
अरे यार आई एम गोइंग टू बी वॉकिंग ओवर हिज स्वीपिंग, सॉरी यार, सॉरी सॉरी, मैं सॉरी बोल देता हूँ उस आदमी को, ये मुझे सीख यहाँ से मिली, उन्होंने तो ये नहीं बोला था, उन्होंने तो फिल्म में डाल दिया था, पर आज भी एक इंसान मेहनत कर रहा है ना, आप उसके मेहनत के ऊपर वॉक करके पार जा रहे हो एंड ही विल हैव टू डू इट अगेन, सो आई हैव टू से आई एम सॉरी, आई हैव टू वॉक, इज़न्ट इट, नाउ दीज आर थिंग्स विच गुड राइटिंग गुड सिनेमा विल सबलिमिनली चेंज यू एज अ ह्यूमन बीइंग, विच इज वाई हिचकी में अगर कुछ कही जा रही चीजें जो कही जा सकती है, कुछ सीख है, no bad students, only bad teachers, and it's about, you know, following your dream. और महाराज में एक सीख है, I am trying to give back to society in some way through my films, that when you come out, you say, yaar, it makes you think, it makes you feel that you should introspect, इसमें कुछ तो अच्छा ही है, because films have a power. Of course. Story and if you can, even if I'm making a love story, if I can say something about, like today if I have to make a love story, लोग मोहब्बत नाम ही भूल गए, लव्स ही भूल गए, आज आज मोहब्बत वर्ड फ्रिविलिस हो चुका है, उस वक्त मोहब्बत शिद्दत पैशन ये बहुत बड़ी चीज होती है, इश्क, ये आज की जनरेशन को पूछो ये बोले व्हाट आर यू टॉकिंग ब्रो, यू नो LV, लाइक व्हाट आर यू टॉकिंग ब्रो, लाइक गेट रियल विद इट, या गेट रियल विद इट, सो then I want to go back to that and bring that back and say, wow. you know, love can be also this way. This is pure love. This is the love. This is where there's pain, but there's love. So then you feel that, ah, yaar, maza aaya. Directors that you love to watch. Directors that I love to watch. Yash Chopra, for sure. Raj Kapoor, Guru Dutt, Kamal Amrohi, Sanjay Bhansali, Raju Hirani, Suraj Barjatya, no doubt. Karan Johar, no doubt. These are the ones which I, Rishikesh Mukherjee, of course. Of course. Yeah. Anytime. Vinod Sir, yeah. Vinod Sir, anytime. Because these guys will all come with conviction and passion and make films that you want to see. You look forward to them. I would say, yeah, these, I don't know any more if I'm missing out, but these are the ones which I would in a heartbeat, just go back and see again. I'd go back and see a Raj Kapoor film again. I'd go back and see a... sometimes I go back and see a Manoj Kumar film again in his prime days. Shore, which my grandfather acted in. Yeah, yeah, yeah. And, you know, Pura Paschim. Those ones were very, very... Vijay Anand. Those films are evergreen. Aaj bhi aap dekho, bolo ke gaane bhi beautiful the. Lyrics the, meaning the gaano mein. Scenes were beautiful. They were shot in and इतनी technology भी नहीं थी, इतने facilities उसमें कहाँ पे गानों में 10,000 dancer, एक hero देखता था, एक heroine देखती थी, और you still go and watch the same song again and again on YouTube. True. You still watch it. आज भी वही गुनगुनाते हो. तो आप जब फिल्मों के बारे में सोच नहीं रहे होते, scripts नहीं पढ़ रहे होते, आप क्या करते हो? What do you do? Actually, at that point of time, I just watch. जी, right now when I'm working on a film, perhaps one of the biggest films of my career, which has been offered to me after Maharaj. Oh, fantastic. Abhi bhi, while we're working on the script and we're doing research on it, me and my writer, and we're meeting, we're sharing videos with each other. Khana nahi banate, ghoomne nahi jate. Actually, main ghar mein hi baitha rehta hoon. Actually, I have my dog. I have Simba, who's more than my life to me. Uske saath baitha rehta hoon. Mom, dad ghar pe hain. जब वो अपने घर चले जाते हैं तो कुछ ही किसी बहाने से मैं उनको वापस अपने घर में ले आता हूँ. माय वाइफ इज देयर, माय चिल्ड्रन देयर, और क्या चाहिए? और कोई चाहिए भी नहीं. अच्छा खाना मिल जाए, करेक्ट, वो तो अच्छा मिलेगा ही मिलेगा, वो तो पूरी तरह से आपको पकड़ के रखेगी. तो अच्छे दोस्त हैं, अच्छा खाना है, यू वॉच योर फिल्म्स, यू टॉक फिल्म्स, एंड फॉर मी दैट्स इवन राइट नाउ व्हेन आई एम वर्किंग ऑन अ फिल्म, आई एम एक्चुअली कंज्यूम्ड इन दैट स्क्रिप्ट, इन दैट, आई हैव एक्चुअली मूव्ड टू living with those people, wow. and in that life now. Yeah. So I'm literally, every day I wake up and I feel, ये कैसी सोचती होगी, ये कैसा सोचता होगा, इसने ये क्यों किया था, ये क्या हुआ था, ये, so you start, yeah, yeah, you are in that call. Internalizing them, you are in that call. उनको महसूस करो, आप more by more, you know, get into the skin of
of those characters. So, हम अब आपसे ज़्यादा बात नहीं करवाएंगे. I'll let you go back to your characters. Thank you very much. Thank you. It was lovely talking to you. Thank you, ma'am. Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.